स्मार्ट और प्रोफेशनल लुक के लिए आज भी क्लीन शेव फेस को प्रेफरेंस दी जाती है। पर क्या आपको पता है, शेविंग के बाद भी अपने चेहरे की केयर करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आफ्टर शेविंग चेहरे की नमी कहीं खो जाती है। इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। ऐसे में आप इन घरेलू चीजों का यूज कर इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल शेविंग के बाद चेहरे की जलन कम करने के लिए किया जाता है। इसके यूज से शेविंग के टाइम रहने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। पपीता में विटामिन ए होने की वजह से ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। पपीते का गूदा निकाल कर रब करने से आपकी स्किन सॉफ्ट और शाइनी हो जाएगी। केले और दूध का मसल के पेस्ट बना लें। इसके बाद इसे चेहरे पर थोड़ी देर लगाकर ठंडे पानी से धो लें। इसके बाद इससे मिलने वाला फेस ग्लो खुद ही आपको इसके फायदे का एहसास करा देगा। जोजोबा ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज कर आपको धूल धक्कर और पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है। हल्दी का पानी शेविंग के बाद स्किन कटने, छिलने या जलने पर लगाने वाला इससे बेहतर एंटीसेप्टिक और कोई नहीं हो सकता। एक कप पानी में आधा चम्मच हल्दी घोलकर कॉटन की हेल्प से फेस पर लगाएं। काफी राहत मिलेगी। रिपोर्ट विदुषी गुप्ता, newstrack.com।